एक शर्मनाक तस्वीर आई है आंध्र प्रदेश से, जहां एक सरपंच ने महिला की सार्वजनिक रूप से पिटाई कर दी। यह घटना 3 दिन पहले की है। यह घटना 3 दिन पहले अनंतपुर जिले के जल्लीपल्ली गांव में हुई, लेकिन इसकी जानकारी एक वीडियो फुटेज के साथ सामने आई। मामले को लेकर पुलिस ने नागराजू को गिरफ्तार किया है, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि नागराजू सार्वजनिक रूप से इस महिला की पिटाई कर रहा है और बार बार लात मार रहा है। महिला के घर के सामने एक पानी की टंकी के निर्माण पर आपत्ति से नागराजू नाराज था। विधवा सुधा ने ग्राम प्रधान से पानी की टंकी किसी दूसरे स्थान पर बनवाने का अनुरोध किया। नागराजू सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ा है, जिसने महिला की पिटाई की और जमीन पर गिर जाने तक उसे लात मारता रहा। महिला और उसके भाई राम गोपाल ने आरोप लगाया कि नागराजू और उसके एक दूसरे स्थानीय नेता ने उसकी पिटाई की।